राजस्थान में करीब एक सप्ताह से भीषण गर्मी का दौर जारी है, साथ ही भीषण लू के कारण जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। सूरज की किरणें आग की तरह धरातल पर पड़ रही है, तो वहीं सुबह से ही पारा 40 डिग्री पार हो जाता है, तो वहीं दिन होते होते 45 डिग्री पहुंच जाता है। कई जिलों में तापमान 50 डिग्री पहुंच गया है, तो वहीं ऐसे में प्री मानसून को लेकर आ रही खबरों ने भी चिंताएं बढ़ा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आयुषी। शुरू करते हैं आज के विषय पर चर्चा करना। मॉनसून के जल्द आने की आस जगाए किसानों ने अपने खेतों में काफी वो इंतजार कर रहे हैं। जो किसान है मॉनसून का उनका इंतजार है। वहीं जालौर के अगर रानीवाड़ा की बात करें तो कई गांव में किसान खेतों में उगे खरपतवार को हटाने के लिए ट्रैक्टर चला रहे हैं और फसल बोने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, जिससे बरसात के साथ ही बुवाई शुरू हो सके। हालांकि क्षेत्र के अधिकतर कुओं का पानी भी सूख चुका है, जिससे किसान अब मात्र खरीफ की फसल पर आश्रित हो गए हैं। लेकिन किसानों को अब की बार अच्छी बरसात की उम्मीद है। एक ओर जहां रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे पारे और लू ने आमजन को हकलान कर रखा है, तो दूसरी ओर प्री मानसून ने भी देश को निराश कर दिया है। देश में मार्च से मई महीने के बीच होने वाली प्री मानसून बारिश 7 साल बाद सबसे कमजोर रही है। इस साल अब तक प्री मानसून के दौरान सिर्फ 99 mm पानी ही बरसा है, जबकि पिछले साल 212 mm बारिश हुई थी। इससे पहले देखें तो 2012 सबसे सूखा साल रहा था, जब महज 90.5 mm प्री मानसून बारिश हुई। वहीं 2009 में भी प्री मानसून दहाई के आंकड़े में ही सिमट गया था। गौरतलब है कि 2009 में कई राज्यों को सूखे का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि मानसून से पहले होने वाली बारिश देश के कई हिस्सों के लिए बहुत जरूरी होती है। ओडिशा जैसे राज्यों में खेती की सिंचाई इसी दौरान की जाती है और पश्चिमोत्तर भारत एवं पश्चिमी घाटों में ये फसलों की रोपाई के लिए जरूरी होती है। हिमालय के वन क्षेत्रों में मानसून से पहले होने वाली बारिश सेब लगाने के लिए जरूरी होती है। नमी के कारण ये बारिश जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं को भी कम करने में मदद करती है। प्री मानसून काल में इस साल दक्षिण के राज्यों में 49% तक कम बारिश हुई है, जिनसे ज्यादा चिंता बढ़ गई है। क्षेत्रवार देखें तो मराठवाड़ा, विदर्भ, कोंकण, गोवा, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडुचेरी में प्री मानसून सबसे कमजोर रहा है। साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा में भी पानी कम ही बरसा है, जिसकी वजह से पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। IIT गांधीनगर ने इस साल अपने पूर्वानुमान में कहा कि देश के 40% से ज्यादा हिस्से में इस साल सूखे की मार पड़ सकती है। इसकी बड़ी वजह कमजोर प्री मानसून को बताया जा रहा है। देश भर में करीब 61% हिस्से में प्री मानसून का स्तर कम या अत्यंत कम रहा है। केवल 24% हिस्से में ही सामान्य बारिश हुई है। मौसम का पूर्वानुमान जताने वाली निजी संस्था स्काई मेट वेदर ने कहा कि देश में मानसून से पूर्व होने वाली बारिश 65 सालों में दूसरी बार इतनी कम दर्ज की गई है। 3 महीने की अवधि का मानसून से पहले का सीजन मार्च, अप्रैल और मई 25% कम वर्षा के साथ समाप्त हुआ है। अतीत में हुए शोध इशारा करते हैं कि पिछली शताब्दी में पश्चिमी भारत में प्री मानसून सीजन में कम होने वाली बारिश में लगातार कमी आई है। ऐसा मानसून के पैटर्न में बदलाव आने के कारण हो रहा है और इसका एकमात्र कारण ये है कि हम आज भी पर्यावरण को लेकर गंभीर नहीं हैं। पौधारोपण सिर्फ कागजी खानापूर्ति बनकर रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो वहीं आपको बता दें कि देश भर के साथ साथ अब राजस्थान में भी काफी गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, जहां लोगों को अब राहत मिलना मुश्किल हो रहा है। अगर मौसम विभाग की माने तो उनका कहना है कि इस बार जो मॉनसून है उसमें काफी देरी हो सकती है। तो वहीं इसी विषय पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे संवाददाता राकेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राकेश, अगर बात करें पूरे देश भर में तो काफी गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है, गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। तो वहीं जिस तरह से मौसम बना हुआ है उससे आने वाले समय में लगता है कि राहत नहीं मिल पाएगी।
इलाकों में खासतौर पर जिक्र किया जाए तो मैदानी इलाकों में इस बार जो गर्मी पड़ रही है, तकरीबन ये माना जा रहा है कि 70 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है। और जिस तरीके से ये हालात हैं, कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो प्री मानसून बारिश को लेकर के आकलन लगाया जाता था, ये जो दौर है, ये जो समय है, तेज गर्मी के बीच में जो प्री मानसून बारिश होती थी, वो अब की बार प्री मानसून बारिश नहीं होने के कारण काफ़ी ज़्यादा स्थितियाँ विकट हो चुकी है। खासतौर पर राजस्थान की बात की जाए तो तकरीबन 33 जिलों में अब पीने, खेती तो दूर की बात है, पीने के पानी को लेकर भी समस्याएं खड़ी होने लगी है। सबसे बड़ी बात है बीसलपुर बांध, जो कहीं ना कहीं जयपुर, अजमेर और टोंक समेत तीन बड़े जगहों को, तीन बड़े डिस्ट्रिक्ट को पीने का पानी मुहैया कराता है, उसमें तकरीबन 15 दिन का पानी शेष बचा है। तमाम जो पीएचईडी के अधिकारी हैं, तमाम जो एग्रीकल्चर के अधिकारी हैं, वो सभी लोग इस समय काफ़ी चिंता में है। और तकरीबन इसी के चलते सीएमओ में दो बार आपदा प्रबंधन की बैठक हो चुकी है, खुद मुख्यमंत्री ने पीएचईडी विभाग की बैठक ली और साफ तौर पर जिन जिन इलाकों में पानी को लेकर के परेशानी आ रही है, खासतौर पर पीने के पानी को लेकर के, वहाँ पर सप्लाई पूरी तरह से दुरुस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। लेकिन आयुष, सबसे बड़ी बात यह है, कुछ हद तक इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन हालात अगर 2009 जैसे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं स्थितियाँ काफ़ी विकट होने की संभावना है। खासतौर पर उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, हालांकि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जिसमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये जो राज्य है, वहाँ पर 94% के आसपास बारिश की संभावना बताई जा रही है। लेकिन राजस्थान में अब की बार सामान्य से कम बारिश रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के आकलन ये कहते हैं कि पिछली बार जो बारिश हुई थी उससे भी कम अब की बार आंकड़ा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये चिंता का जो विषय है वो ये है कि प्री मानसून बारिश होती थी और इस दौरान जो खरीफ की फसल को लेकर की जो तैयारियाँ की जाती थी, वो तैयारियां तक पूरी नहीं हो पा रही है। किसान अपने खेतों में पहुंच चुके, लेकिन अभी तक प्री मानसून बारिश नहीं होने के कारण किसान हिम्मत नहीं कर पा रहे कि बीज डाला जाए, नहीं डाला जाए, स्थितियां काफी ज्यादा चिंताजनक हो चुकी है। ऐसे में अभी तक जो 15 जून के आसपास जो मानसून आने की संभावना थी, उसमें देरी होने की संभावना बताई जा रही है। तकरीबन 1 जुलाई के आसपास तक ये तारीख दी गई है, 1 जुलाई के आसपास तक राजस्थान तक मानसून आने की पूरी संभावना है। जी आयुषी, जी राकेश, जैसा कि आपने जिक्र किया जम्मू कश्मीर, हिमाचल जैसे ठंडे क्षेत्रों का, तो वहाँ भी इस बार जो राहत है वो लोगों को नहीं मिलती दिख रही है। वहाँ भी इतनी गर्मी पड़ रही है कि लोग वहाँ भी गर्मी से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि माना जाता है कि ये सबसे ठंडे प्रदेश माने जाते हैं, फिर भी वहाँ पे गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। ठंडे प्रदेश में गर्मी पड़ना नहीं पड़ना, ये और बारिश, ये तीनों सब्जेक्ट काफ़ी अलग हैं। बारिश का अपना अपना एक यूँ कहे तकनीकी विषय होता है। अलनीनो क्षेत्र यानी कि बंगाल की खाड़ी में जब कम दबाव वाला क्षेत्र तैयार होता है, तो तब जाकर के तमाम जगहों पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और खासतौर पर पूरे भारतवर्ष में बारिश होती है। लेकिन अब की बार सबसे बड़ा कारण ये है कि अलनीनो के दबाव के कारण, अलनीनो का प्रभाव हो जाने के कारण जो कम दबाव वाला क्षेत्र तैयार होता है, या मानसूनी हवाएं जो तैयार होती है, वो तैयार नहीं हो पा रही है। वरना आज यानी कि 6 जून की तारीख में जिस तरीके से मानसूनी हवाएं आना शुरू कर देती है, कहीं ना कहीं तापमान में भी कमी आती है, लेकिन अभी तक राजस्थान का तापमान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ठंडे इलाके जिनका आप जिक्र कर रही है, वहाँ खासतौर पर ये माना जा रहा है, क्योंकि पर्यावरण स्तर पर जो जी राकेश, मैं आपको बीच में यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ एके सेन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी एके सेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। नमस्कार आयुषी जी। जी एके सेन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे पूरे देश भर में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी जो लोग हैं उनको जल्द राहत नहीं मिल पाएगी इस गर्मी से, क्या कुछ आप कहेंगे इस पर? उनकी जो ऑनसेट का जो टाइम है, नॉर्मल से करीब एक हफ्ता या कुछ जगह में केरल के सिटी में लगभग 8-9 दिन देर हो रही है, तो इसी के हिसाब से मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत में भी मानसून के आने में लगभग 10 से 15 दिन तक देर की संभावना अभी बना है। संभावना में अचानक कोई स्थिति में कोई परिवर्तन ना आए तो बिल्कुल इस बार जो गर्मी का जो चपेट है वो थोड़ा लंबा खींचेगा, खासकर मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के लिए। पूर्वी भारत में और उत्तर पूर्वी भारत में राहत तो जल्दी मिलने का संभावना है कि मानसून अगले एक हफ्ता तक वहाँ आने की उम्मीद है, लेकिन पश्चिम भारत और मध्य भारत के लिए स्थिति तो काफी गंभीर बने रहेगा अगले 10-12 दिन 15 दिन तक। जी जी एके सेन जी, हमारे साथ यहाँ पर शिव गणेश जी भी जुड़ चुके हैं जो कि मौसम विभाग राज्य जयपुर के निदेशक भी हैं। जी शिव गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में।
जी शिव जी, जैसे कि शिव गणेश जी, जैसे कि पूरे देश भर में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है? आप तो मौसम विभाग से ही जुड़े हुए हैं, तो क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदेश में कब तक जो लोग हैं उनको इस गर्मी से निजात मिल पाएगी? कब तक मानसून है जो प्रदेश में दस्तक देगा? मैम, इसके बारे में अभी जो आंकड़े हमने एनालाइज किए हैं उसके अनुसार 10 तारीख के बाद में अरब सागर से दक्षिण पश्चिमी हवाएं, नम हवाएं राजस्थान राज्य में प्रवेश करने की संभावना है उनकी जी। और जिनका स्तर जमीन से लेकर करीब 3-4 किलोमीटर ऊपर तक रहेगा। इसके कारण नम हवाओं के प्रवेश होने से 10 तारीख के बाद में राजस्थान राज्य में ये लू और जो भीषण लू चल रही है उससे राहत मिलेगी। लेकिन इसके साथ क्योंकि ये अभी मानसून नहीं सेट हो रहा है तो उसके कारण थोड़ी सी जो उमस बोलते हैं वो बढ़ेगी, उससे मुश्किल जैसे होती है, पर हीट वेव से राहत मिलेगी 10 तारीख के बाद। जी शिव जी, गणेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा हम जानते हैं कि इस बार जिस तरह से इतनी गर्मी पड़ रही थी, भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कि किस प्रकार का मॉनसून इस बार हो सकता है? क्या बारिश ज्यादा हो सकती है, क्या इस बार बारिश की कमी दिखने को मिलेगी? देखिए मैम, मौसम विभाग दिल्ली ने पहले ही इसके बारे में बता दिया है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कई स्टेट आते हैं जी। जैसे श्रीनगर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इधर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये पूरा बड़ा एरिया होता है जिसके लिए उन्होंने 94% ये प्रेडिक्ट किया हुआ है। तो ये कहना एकदम अभी हमारा उस लेवल पर नहीं गए हम के स्टेट लेवल पर फोरकास्ट करें, पर हाँ जो कंडीशन है और दूसरे जो दूसरे भी संस्थाएं हैं उनके द्वारा ऐसा लगता है कि राजस्थान में जो बताया है नॉर्मल के आसपास, नियर नॉर्मल के आसपास बारिश होने की संभावना है। जी आयुषी जी, देखिए जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है उसके उस आधार पर कहीं ना कहीं राहत के सांस जरूर ले जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से प्री मानसून को लेकर के लगातार अंदाजा लगाया जाता रहा, ये वो दौर है जो कहीं ना कहीं खरीफ फसलों के लिए भूमि तैयार करने में समय दिया जाता है, किसान कहीं कहीं बीज डालते हैं, लेकिन जिस तरीके से तापमान रिकॉर्ड तोड़ हो रहा है, खासतौर पर धौलपुर का तापमान, पहले चूरू था और कल जो धौलपुर का तापमान जो रिकॉर्ड किया गया, अब सबसे आज की तारीख में सबसे गर्म अगर जिला है, सबसे गर्म जो शहर है वो धौलपुर है, धौलपुर का तापमान 48 समथिंग पहुँच गया है, यानी कि चूरू के बाद में अगर सेकेंड नंबर पर अगर कोई आ रहा है तो धौलपुर आ रहा है। जिस तरीके का तापमान लगातार चल रहा है उस लिहाज से किसान तक खेतों में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, हालांकि तेज गर्मी को लेकर के कई किसान जो है आसानवित भी हैं, उनका कहना है कि नौतपे के दौरान जो गर्मी पड़ती है अगर वो तेज गर्मी होती है तो कहीं कहीं मानसून आने की संभावना अच्छी दिखाई देती है, लेकिन ये पौराणिक मान्यताएं भी हो सकती है, तमाम चीजें हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग के वैज्ञानिक बोल रहे हैं उनके मुताबिक 10 तारीख के बाद में जिस तरीके से हवाओं में नमी आने की संभावना है, अरब सागर में कुछ मानसूनी हवाएं कहीं ना कहीं राजस्थान की ओर रुख करने की जो संभावना है, तो कहीं ना कहीं राहत की सांस ली जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक इंडिकेशन ये भी दिया कि मानसून जो है तकरीबन मध्य भारत के आसपास में अगर 10 से 15 दिन देरी से पहुंचता है तो कहीं ना कहीं काफ़ी चिंता का विषय है आरुषि। और सबसे बड़ी बात राजस्थान की अगर खासतौर पर बात की जाए, जिस तरीके से पीने के पानी की समस्याएँ लगातार राजस्थान में रहती आई है, पिछले दस सालों की अगर बात की जाए तो पीने के पानी को लेकर के जो स्थितियाँ विकट बनी है, कहीं ना कहीं अब की बार हालात ज़्यादा खराब है। जो बीसलपुर बाद कहीं ना कहीं 3 जिलों को पेयजल आपूर्ति किया करता था वो बीसलपुर बांध सूखने के हालात पर है, रामगढ़ बांध पहले ही जयपुर का सूख चुका है, उसके अलावा तमाम जो तालाब हैं, नदियां हैं, बावड़ियां हैं, वहां पर भी पीने का पानी नहीं बचा है। ऐसे में स्थितियां ज्यादा खराब होने लगी है। खुद राज्य सरकार जिस तरीके से मीटिंग्स ले रही है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरीके से प्रसंज्ञान ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है ही, समय पर मानसून आता है। हाँ, पहले बीच में जो बारिश हुई थी कहीं ना कहीं उसके लिए ये माना गया था कि राजस्थान में अब हालात ज्यादा ठीक हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से स्थितियां पिछले साल की भी अगर बात की जाए तो कोई खास बारिश राजस्थान में नहीं हुई थी, सामान्य बारिश रही थी, और अब की बार का जो आंकलन है अगर उस हिसाब से भी अगर सामान्य बारिश रहती है तो कहीं ना कहीं पीने के पानी की जो समस्या है वो ज्यादा ठीक होगी, ऐसा नहीं माना जा सकता है। जी आयुषी,
जहाँ तक राजस्थान का किसान की स्थिति के बारे में बताया जाए तो इस बार किसानों के लिए राजस्थान में जैसे 94% नॉर्मल प्रेडिक्शन किया गया है उस क्षेत्र के लिए, उसमें भी प्लस माइनस 6-8% एरर होने की उम्मीद है। अगर उसमें माइनस 8% एरर आ जाए तो वो 94 से और 8 घट जाएगा तो करीब 86-87% बारिश होने की उम्मीद हो जाएगा उसमें। तो उस ऐसी स्थिति में राजस्थान जैसा हमेशा सूखाग्रस्त राज्यों में स्थिति तो किसानों के लिए बहुत चिंतादायक हो जाएगा, लेकिन अभी से इस आंकड़ा में इतना मतलब निर्भर नहीं किया जा सकता है जब तक मानसून को मध्य प्रदेश दूसरे भारत में उसका स्थिति ना देखा जाए। अगर उसके लिए और कुछ एक हफ्ता 10 दिन इंतजार करना पड़ेगा मानसून का तेज किस गति से और किस तीव्रता से मानसून मध्य भारत तक पहुंचते हैं उसका ऊपर किसानों को नजर रखना पड़ेगा, लेकिन स्थिति तो बिल्कुल ज्यादा आशाप्रद नहीं है। देखिए जहां तक प्री मानसून बारिश का जो कारण है, जिस कारण से भारतवर्ष में पूरा प्री मानसून बारिश होते रहता है, उसके साथ मानसून आने का और मानसून की कमजोरी और ज्यादा जोर होने का कोई संपर्क ऐसे नहीं है। तो प्री मानसून बारिश कम हुआ इसी के कारण ऐसे अनुमान नहीं लगाया जाएगा कि मानसून बारिश भी कम होगा। मानसून का स्थिति दूसरे कुछ फैक्टर से निर्भरशील है जिसका ऊपर अनुमान लगाया जाता है पूरा भारत में और अलग अलग क्षेत्र में कैसे कैसे बारिश होगा। तो उसी स्थिति में ऐसे प्री मानसून बारिश कम हुआ इसी को एक कारण नहीं माना जाएगा कि मानसून की बारिश भी राजस्थान में इसी कारण कम जाएगा। मानसून का स्थिति वो अपना मानसून का जो स्ट्रेंथ है वीकनेस है और जो फैक्टर्स उसको डिपेंड करता है आगे बढ़ाने में उसी के ऊपर नजर रखते हैं। तो उसी पर जो अनुमान लगाया गया है कि लगभग 94% और प्लस माइनस 8% एरर के साथ बारिश होने की उम्मीद है, तो उसमें अगर माइनस हो जाए तो काफी गंभीर हो जाएगा। अगर वो 94 से प्लस माइनस एरर में पॉजिटिव साइड में आए तो किसानों के लिए ज्यादा कोई हानिकारक नहीं होगा। राहत प्रबंधन और जो डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ के मिनिस्टर थे उन्होंने राहत सेक्रेटरी के साथ में अभी मीटिंग ली थी और उन्होंने सारे डिपार्टमेंट को कॉल करके ये सारे जो नेसेसरी एक्शंस होते हैं उस सबके लिए उनको गाइडलाइन इशू की हैं, हर तरफ से उनको सुविधाएं देने के लिए भी बात की है। तो यहाँ से प्रशासन पूरा एक्टिव है और सारे एक्शन लेने के लिए वो तैयार है। देखिए अभी सबसे बड़ी बात तो गर्मी को लेकर या प्री मानसून बारिश नहीं होना, दो दो मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ इस समय स्क्रीन पर है वो ज़्यादा जानकारी रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें लेट हुई है, जिस तरीके से देरी हुई है, देखिए हिंदुस्तान में जो एग्रीकल्चर है वो कहीं ना कहीं मौसम पर आधारित है, मानसूनी रूप से मौसमी खेती यहाँ पर ज़्यादातर होती है, किसान के लिए चिंता का यही विषय है। और राजस्थान की खासतौर पर बात की जाए तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं समृद्ध संसाधनों की अगर जो बात की जाती रही है जल स्रोतों के लिहाज से, तो कहीं ना राजस्थान में उनकी काफ़ी कमी है, बावड़ियाँ कुएं तालाब कहीं ना कहीं पिछले जो दशकों में उनका जो संरक्षण नहीं हो पाया उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। और मौसमी खेती होने के कारण तमाम जो किसान है वो बारिश पर निर्भर रहते हैं, ऐसे में अगर ये स्थितियाँ ज़्यादा खराब होती है तो कहीं ना कहीं सीधा असर किसानों के ऊपर जाता है, अर्थव्यवस्था के ऊपर जाता है। एग्रीकल्चर का क्षेत्र ज़्यादा बड़ा होने के कारण कहीं ना कहीं चीज़ें जो है सीधा जो चीज़ें हैं वो अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव डालती है, चीज़ें महंगाई बढ़ती है, चीज़ें कहीं ना कहीं उनके दाम आसमान छूते हैं, तमाम चीज़ें हैं, अर्थव्यवस्था डामाडोल होने लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बीच में अगर मानसून के ऊपर या मौसम के आधार पर खेती अगर हिंदुस्तान में हो रही है और राजस्थान
किसान का जिक्र अगर उसमें खासतौर पर किया जाए तो अब जो स्थितियां हैं उनके हिसाब से इनका संरक्षण करना बहुत जरूरी हो गया है। आप अगर पानी का संरक्षण नहीं करेंगे या एक कोई गाइडलाइन तैयार नहीं होगी, संरक्षित पुराने जो जल स्रोत है उनके संरक्षण को लेकर के अगर प्रयास नहीं किए जाएंगे तो मानसून को लेकर के जो स्थितियां अभी बनी हुई है कहीं ना कहीं आगे ज्यादा और खराब हो सकती है, आने वाले सालों में स्थितियां और विकट हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसानों तक पानी पहुंचाने के लिए, पीने का पानी पहुंचाने के लिए, शहरी क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के लिए उन चीज़ों को संरक्षित करने की आवश्यकता है, उन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट को इस सेक्टर में निजी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर के आम लोगों के सहयोग से इस प्रकार की कोई नीति तैयार करनी होगी ताकि इस प्रकार की चीज़ों का सामना दोबारा नहीं करना पड़े। बारिश होती है, प्री मानसून बारिश का अपना समय होता है, मानसून का समय अपना होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह अगर आपकी स्थितियाँ इतनी विकट हो जाए कि पीने का पानी तक बिल्कुल खत्म होने की स्थिति पर आ जाए तो वहाँ पर चिंता होना काफ़ी लाजमी है और सरकार को प्रयास करना बहुत जरूरी है। जी आयुषी, मैम इसके लिए मुख्य रूप से तीन कारण होते हैं और जो हमेशा नहीं कभी कभी होते हैं। तो इसमें एक तो क्या है कि पश्चिमी हवाएं जो गर्म इलाके से आती हैं और राजस्थान राज्य में प्रवेश करती हैं तो उनसे गर्मी का जो तापमान का संवहन इधर होता है राजस्थान राज्य में, जिससे गर्मी बढ़ती है। दूसरा ये होता है कि एक इस बार ऊपरी हवाओं में वायुमंडल में एक एंटी साइक्लोन डेवलप हो गया था जो नीचे से उठने वाली हल्की हवाओं को दबाता है, यानी उसे आप उससे कहोगे टेम्परेचर बढ़ता है। और तीसरा ये जब वो हवाएं ऊपर नहीं उठ पाती हैं तो बादल वगैरह नहीं बन पाते तो आसमान साफ रहता है जिसके कारण डायरेक्ट सन की किरण है वो जमीन पर पड़ती हैं। तो ये तीन कारणों के कारण ऐसा होता है कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। तो अभी जो लास्ट वीक में हुआ था एक एंटी साइक्लोन राजस्थान के ऊपर बना हुआ था करीब 3 किलोमीटर ऊपर, 2.5 से 3 किलोमीटर ऊपर, तो जिसके कारण ये जो कंडीशन बनी मतलब उसमें लू से बहुत भीषण लू की जो कंडीशन बनी वो यही तीन कारण मुख्य थे। वो अब आस लगाकर बैठे किसान अब अपने खेत को तैयार करने में जुड़ गए। रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कई गांव के किसान हैं वो अब अपने खेतों में उगे खरपतवार को हटाकर अपने खेत को तैयार करने में जुड़ गए ताकि पहली बारिश से ही अपने खेत में फसल की बुवाई की जा सके। रानीवाड़ा सहित पूरे मारवाड़ की बात करें तो यहाँ पर अधिकांश किसान हैं वो बारिश पर निर्भर रहते हैं और जब पहली बारिश होती है तब अपने खेत के अंदर जो खरीफ की फसल की बुवाई करते हैं। यहाँ के जो किसान हैं वो इस बार ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद जताकर यहाँ मारवाड़ के किसान बैठे हैं। कैमरामैन अनिल विष्णु के साथ रविंद्र सिंह उमट रानीवाड़ा। फिलहाल हमारे आज के इस खास पेशकश में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।